तो अभी ना यहाँ पे स्कूल में मानसी के बच्चों के लिए राखी बंधन का सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहाँ पर से थोड़ा सा इसको इधर लेके आए ना, बोल रहे कि हम लोग आ गए तो थोड़ा उदास टाइप की हो गई थी। आपको आता है? ये देख सकते हैं अभी आटा गूंदा जा रहा है क्योंकि बनेगा पूड़ी, और पूड़ी के साथ चना और क्या, मीठा चावल। हाँ, चना मीठा चावल इस तरह से कुछ चढ़ाया जाता है। और सुबह सुबह मैं बहुत सारे सामान लेके आया था। सो दोस्तों अभी निकल चुके हैं पूजा के लिए और प्रसाद वरसाद लेके। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज है माता रानी का पूजा, क्या बोलते हैं इसको जी, गमालहा पूजा। गमालहा पूजा, तो इसीलिए काजल सुबह सुबह नहा धोवा के रेडी हो चुकी है और अभी तैयारियां हो रहा है। क्या क्या हो रहा है दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं अभी आटा गूंदा जा रहा है क्योंकि बनेगा पूड़ी, और पूड़ी के साथ चना और क्या, मीठा चावल। हाँ, चना मीठा चावल इस तरह से कुछ चढ़ाया जाता है। और सुबह सुबह मैं बहुत सारे सामान लेके आया था, जैसे कि ये अंगू आटा लेके आया था, चना लेके आया था, और ये काजल का फरमाइश पेयर साबुन ले आया कभी कभी लाइव वॉइस से नहाती है कुछ भी सुना लेती हूँ मेरा कोई वो नहीं है। तो चलिए आप सब बने रहिए, बहुत ही प्यारा ब्लॉग होने वाला है। और अभी तेल डाल दिए कढ़ाई में, जैसे ही गर्म होगा का है नहीं जरूर बंद कर देते। मेरा हाथ जलाने की कोशिश में लगी थी काजल आज फुल्ली, उसका रीजन बताए हम ना छोड़ा और ये साड़ी काफी प्यारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन हरी हरा हरी हरा रहा। तो अभी पूड़ी बन चुका है और थालियों में सजाया जा रहा है माता रानी के पास जाने के लिए, है ना। अरे है, लिपस्टिक काहे लगा लो, तो मन ना लगाए का हम। तो देखिए ये कितना गोल गोल छोटे छोटे पूड़ियां हैं, इसका राज मैं बता रहा हूँ किस तरह से बनता है, शायद आप लोग को पता होगा। गिलास से कट कर करके, है ना। और वो बड़ा बड़ा क्यों है? वो नहीं चढ़ेगा, वो खाने के लिए मेरे लिए। पहले चलो चढ़ा के आते हैं अच्छे से ना, थोड़ा इसको धो के लाइए ना। सो दोस्तों अभी निकल चुके हैं पूजा के लिए और प्रसाद वरसाद ले, और मानसी को देखिए छाता लगा के चल रही है छाता है, खुशी है। हाँ बेटा, मैंने गिफ्ट किया था। तो दोस्तों अभी पूजा करके आ चुके थे और नहा धोवा लिए हैं हमें, मतलब मैं नहा लिया हूँ, काजल तो सुबह ही नहा के गई थी पूजा करने के लिए, है ना। और अभी दिखाते हैं क्या बना। अभी गोभी काट रही है काजल, जो कि मैं ही खरीद कर देके गया था, उसमें थोड़ा सा बचाई थी। और आलू और गोभी का सब्जी और चावल बन रहा है अभी, है ना। पूड़ी है ये खाने को। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट सुबह सुबह देख सकते हैं न्यू घर में का नज़ारा, क्योंकि मैं आया था तब से दिखाया नहीं आप सबको, लेकिन दिल खुश हो गया देख के। ये देखिए कितना मस्त हो गया, अब इसको लिपाई पोताई करके भी इसमें रह सकते हैं। और अभी बाइक यहाँ पे साफ सुथरा लग रहा है पहले से बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका पानी कैसे निकला है कजल, ये बारिश की वजह से ना, बारिश का पानी इसमें भर गया पूरा। हाँ बस इधर ईंटें हैं तो ये सारे ईंटें लग जाएंगे नीचे में, बिछा देगा जाएगा ना जब इसमें वो होगा टाइल वगैरह लगने के काम होगा। और थोड़ा सा इधर का ये चौकी उठा के उसमें जाएगा, उस घर में तब जाके होगा, है ना। तो ये देखिए सर, ये होल छोड़ा गया है एयर निकलने के लिए, सब में होल किया गया है एयर निकलने के लिए, इसमें भी एयर पूरा होल। बहुत ही ठंडा रह रहा है ये वाला घर, है ना, क्योंकि पूरा पानी से भिगाया गया है ना, तो इसलिए पूरा ठंडा है। खाना बना लिया, चलो चलिए जाइए लेके आइए पैसा। और आप सबका बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है मानसी का स्कूल का, तो चलिए आज दिखाते हैं कौन से स्कूल में पढ़ती है मानसी, क्योंकि हम लोग कभी ज़्यादातर दिखा ही नहीं पाते हैं, जल्दी जल्दी में उतार देते हैं, पहुँचा देते हैं स्कूल, और गाड़ी वाला भी आता है ले जाने, तो उस टाइम तक या तो मैं सोया रहता हूँ और नहीं तो कभी जगते भी है तो सूट नहीं कर पाते हैं, और काजल भेज देती है। चलिए आज फाइनली सुबह उठाइए मेरे को, और स्कूल में भी चलेंगे और दिखाएंगे भी आप सबको। झंडा के दिन भी हमें बुलाया गया था, लेकिन उस दिन मैं लेट आया था घर पे ना, नहीं तो जाते हैं हम लोग। चलिए आज दिखाते हैं कैसा है, किस तरह का। मानसी के स्कूल में आए हैं और देखिए मानसी गए टीचर बुला के लाने,
और अभी वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, काजल को लेके आए हैं दिखाने के लिए और आप सबको भी दिखाएंगे कि किस तरह का स्कूल है। अभी चलते हैं, मैं तो कई बार आ चुका हूँ, मैं काजल पहली बार आई है। अभी टीचर्स गई थी अंदर, बोले अभी बुला रहे हैं। यहाँ बैठे अच्छे से लगा लो उसको। हाँ। कोई बात नहीं, मम्मी भी आई है देखो। ठीक है, हाँ हम लोग आए। फिर आपको जैसे आती हो रोज डेली, जैसे डेली आती हो ना वैसे ही आ जाना। ठीक है, पढ़ो। तो अभी ना यहाँ पे स्कूल में मानसी के बच्चों के लिए राखी बंधन का सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। ये बच्चों ने बनाया है इस तरह का, और मानसी भी राखी लेके बैठी है। थोड़ा सा इसको इधर लेके आए ना, बोल रहे कि हम लोग आ गए तो थोड़ा उदास टाइप की हो गई थी, तो अभी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे देखिए। और स्कूल का नाम बिहार विकास सेंट्रल स्कूल है, सांखे बाजार गोपालगंज। आपको आता है? ठीक है, ये सारे आपके फ्रेंड है, सभी लोग, सभी लोग आपके फ्रेंड है। ठीक है, देख रहे हो सही। चलो काजल को मन था घूमने के लिए स्कूल में, चलिए चलते हैं। अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मानसी के स्कूल से, और काजल आते आते फिर से बारिश, थोड़ा सा बारिश जैसा हुआ था ना, तो ये देख सकते हैं अभी घर में पानी फिर से आ गया, और ये इधर से गाड़ी वाड़ी जा रहा है तो उसका पानी आ रहा है। तो अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा घर में ना ये हर दो घंटे तीन घंटे में पूरा ये पता ना कैसे हो जा रहा है। तो अभी काजल ने पोछा लगाया जल्दी जल्दी से, और दोनों लोग नहा धो अभी आते आते, और बेड वेड इससे पहले सुबह भी पोछा की थी खाना बनाने से पहले, लेकिन फिर मतलब ऐसा हो जा रहा है, बरसात में हो जाता है। और ये वैसे भी डाउन में घर है ना, थोड़ा रोड से डाउन है। बेड वेड भी अच्छी तरीके से लगा दी है काजल ने, खाना खा लेते हैं। कल दो खाना, पोंछ लो। अभी खाने में है दाल चावल और सब्जी, आलू भुजिया है, खा लेते हैं फिर बताते हैं आप, मतलब मिलते हैं आप सबसे। सब फ्रेंड चलिए अभी न्यू घर में चलते, खाना पीना हम लोग का हो गया है ना, और एक बज गया, वेट करें मानसी बेटा कब तक आती हैं। बाकी चलिए न्यू घर में थोड़ा सा काम है, हम लोग कर लेते हैं अपना। ऐसी कर दी सारा, नहीं तो सीमेंट खराब हो जाएगा सारा, उसको ठीक कर देते हैं है ना। सीमेंट का स्लेब बनेगा ना? हाँ वही स्लेब का, वो सेटरिंग ठुकवाइए और सेटरिंग ठुका के आप मसाला दे दीजिए, मसाला दे के फिर उसको बाबा ऐसे ऐसे बराबर कर देंगे, खाली सेटरिंग ठोकने में जितना टाइम लग जाए। ठीक है, किसी का उम्र रख ले बने नहा के, ऐसे ही हो जाता है इनका बात खौड़ावा बाल। तो चलिए आप सब बने रहिए, अभी हम लोग फटाफट काम स्टार्ट करेंगे। कि मैं जस्ट यहाँ पे लेटा था तब तक मानसी भी आ गए, मैं नींद में आ गया था, ये क्या लगा काजल चली गई है। बेटा सर क्या बोल रहे थे आपको? जा मम्मी को बुला के लाओ, तभी मैं यहाँ पर सब कुछ खड़ा हूँ। तो पापा को देख लिया आप? हाँ। ये देखिए ये रोड के वजह से ना गाड़ी वहीं तक आ रहा है उधर तक, तो वहाँ से पैदल छोड़ के गए यहाँ से। मैं बता रही थी कि मेरा घर राइट में है। आप बता रही थी? हाँ मुझे पता था। अच्छा गाड़ी वाले आते रहते यहाँ तक लेके आ जाते हैं, आके चिल्ला रहे थे। चिल्ला रहे थे? हम सो गए, हम तो नींद में आ गए। कलक्चर लगा कर लो। चलो ये वाला ड्रेस तो दो ही दिन पहन के जाना है। तो टीचर का भी फोन आ गया कि मानसी पहुंची। ठीक है ठीक है, हाँ पहुँचे अभी। ठीक लेट हो गया था ना, अब बताना पड़ता है क्योंकि वहाँ ना मैंने चारों तरफ रिसर्च किया था ना, सिक्योरिटी बहुत अच्छा है वहाँ का, सीसीटीवी वगैरह सारा लगा हुआ है। हमने नाम
नाम दिया है वही मिल सकते हैं और बाकी कोई नहीं, और हम दोनों बस। सही है। और यहाँ लेके आते हैं ना, जब तक कोई बाहर ना जाए मम्मी चाहे पापा दोनों में से, तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये जाकर मैं सो गया था अचानक, पापा मैं अभी निकल ही रही थी, गाड़ी नहीं आया, पैदल आ गई पापा कह के, तब पता चला कि उधर गाड़ी रुका है। डेली गाड़ी आता है, पैदल आए थे ना यहाँ द्वार पर लेके, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कीचड़ हो गया है। मम्मी ऐसा सुंदर दिख रही थी ना? हाँ, इसमें सुंदर दिख रही थी। गोल गोल घूमती हूँ ना, हाथ तो पूरा फैल जाता। क्या क्या आपने खेला वहाँ पर और पढ़ाई किया? टीचर बोल रहे थे यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था राखी का, इसीलिए मानसी लेट से गई है। हाँ, तो मैं सभी लोग को राखी बांधी थी। राखी बांध रहे थे, राखी बना भी रहे थे अपने हाथों से। देख लो, मैं हाथ में एक भी नहीं रखी। तो भैया लोग को बांधी होगी ना? नहीं, बहन थी वो, मेरी बहन थी, बहन को बांधी थी। हाँ। इसको अभी छोटा था ना वो बच्चा, तो लड़का लड़की समझ। हम लोग गए थे तो टीचर आपसे पूछ रहे थे कि मम्मी पापा क्यों आए हैं आपके। हाँ, तो आप मेरे पास क्यों नहीं आ रहे थे? मैं ना, तो मैं आया था मम्मी भी आए थे, टीचर से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे आपके टीचर के 15 अगस्त पे क्यों नहीं लेके आए। वही बाहर में बहुत ज्यादा धूप है, मतलब की निकले का मन नहीं कर रहा निकलने का। और चलिए, इस ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है एक। और ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, तो कमेंट कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लीजिए। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय।